Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. This is your English teacher and today we are going to read our second chapter, that is The Trap. Trap kise kehte hain students? Aap logo ko pata hona chahiye. हमने आपने देखा होगा कि अक्सर हम चूहों को पकड़ने के लिए या किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, तो उस जाल को जो है वो कहते हैं ट्रैप. क्या कहते हैं उसे? ट्रैप. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये भी इसी से रेलेवेंट है, द ट्रैप, एक जाल. सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो रीड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. Honest, good, not false, not telling lies. Honest कहते हैं सच्चे इंसान को जो कि झूठ ना बोलता हो. Immediately, straight away, at once, यानी फौरन से. Jackal, a wild animal like a dog. Jackal कहते हैं एक जंगली जानवर को जो कि dog की तरह का होता है. Matter, problem, यानी मसला. रिप्लाइड, आंसर, यानी जवाब देना. रबिश, यूजलेस और अनवांटेड थिंग, कचरा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप. ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट बट द ट्रैप वॉज very strong and he could not get through the bars. Just then a boy came walking by. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक टाइगर जो था वो किसी जाल में फंस गया था. उसने बहुत कोशिश की उस जाल से बाहर निकलने की स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि वो जाल बहुत मजबूत था और लोहे का बना हुआ था जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वो उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था. अचानक से उसके पास से एक लड़का गुजरा. द टाइगर क्राइड आउट, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज लेट मी आउट दिस ऑफुल ट्रैप. और उस टाइगर ने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, बहुत हेल्पफुल वॉइस में. क्राइड आउट का मतलब होता है कि बहुत हेल्पफुल, और इंसान जो बिल्कुल हेल्पलेस होता है ना, तो वो मदद के लिए जैसे चीखता है, उस तरह की आवाज़ में टाइगर ने बोला कि मुझे इस जाल से बाहर निकालो मेरे दोस्त, और मैं इसमें फंस गया हूँ. नो सेड द बॉय, यू विल ईट मी अप. और उस बॉय ने क्या बोला कि नहीं, मैं तुम्हें इससे बाहर नहीं निकालूंगा, तुम मुझे खा जाओगे. नो नो सेड द टाइगर, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट. और टाइगर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बल्कि तुम्हारा नौकर बन के रहूँगा. सर्वेंट कहते हैं नौकर को. देन ही क्राइड एंड ट्राइड अंटिल एट लास्ट द बॉय ओपन द डोर. The tiger immediately caught hold of him. You fool, roared the tiger. Now I shall eat you up. उसके बाद क्या हुआ? वो टाइगर जो था वो चीखता रहा जब तक उस बॉय ने, उस छोटे से बच्चे ने उसे उसमें से ना निकाला. जब उसने उस ट्रैप में से टाइगर को बॉय ने निकाल लिया, तो फौरन से टाइगर ने उस बॉय को पकड़ लिया और बोला, और जो है हुर्रा के बोला कि तुम तो बेवकूफ़ हो और मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा. द बॉय स्टार्टेड टू क्राई एंड द टाइगर सेड, ऑल राइट, परहैप्स आई विल लेट यू गो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी. If they agree to help you, I shall let you go. जब बॉय रोना शुरू हो गया तो टाइगर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें तीन चीज़ों से मदद मांगनी होगी. जो भी तुम्हें तीन चीज़ें दिखें उनसे तुम मदद मांगो.
और अगर वो तुम्हें मदद करने के लिए राज़ी हो जाती हैं तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। फर्स्ट द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट ट्री इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प। सबसे पहले उस बॉय ने एक दरख्त से मदद मांगी, बट द ट्री लाफ्ड, लेकिन वो दरख्त हंसने लगा। व्हाई शुड आई हेल्प यू, सेड द ट्री। दरख्त ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? यू आर लकी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। पीपल टेक माई फ्रूट एंड कट माई ब्रांचेस, नोबडी हेल्प्स मी, गो अवे। वो कहता है कि लोग मुझे काटते हैं, मेरी शाखों को काट देते हैं, मुझसे फल भी हासिल करते हैं, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता, तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट द बॉय सॉ अ बुलॉक वर्किंग इन अ फील्ड, ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर हेल्प। फिर उसने बुलॉक से हेल्प मांगी, वो जो खेतों में भैंस चराते हैं ना फसलों के लिए, उससे मदद मांगी। और उसने देखते हैं क्या कहा, यू आर लकी, सेड द बुलॉक, आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड गेट लिटिल टू ईट, नोबडी हेल्प्स मी, गो अवे। वो कहता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मैं सारा दिन यहाँ पे काम करता रहता हूँ और मुझे कोई मेरी मदद नहीं करता। फाइनली द बॉय सेड टू द रोड, फाइनली आखिरकार बॉय ने रोड से बोला, ओह रोड, प्लीज़ आस्क द टाइगर टू सेट मी फ्री। और वो रोड से कहता है कि प्लीज़ अब तुम टाइगर को बोल दो कि वो मुझे आज़ाद कर दे। नेवर, सेट द रोड, उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा टाइगर को। यू आर लकी, लुक एट मी, पीपल वॉक एंड राइड ऑल ओवर मी, दे थ्रो रबिश ऑन मी, नोबडी हेल्प्स मी, गो बैक टू द टाइगर। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मुझे देखो, मैं लोग मुझ पर सारा दिन चलते हैं, कचरा फेंकते हैं और मेरी कोई मदद नहीं करता, तो तुम जाओ टाइगर के पास वापस। द बॉय वॉज सैड बट ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, ही वॉक्ड बैक टू द टाइगर, ऑन द वे ही मेट अ जैकल। व्हाट्स द मैटर बॉय, आस्क्ड द जैकल, द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर। वो लड़का बहुत उदास हो गया और लेकिन वो सच्चा भी था, तो वो टाइगर के पास वापस जाने लगा। इतने में उसे एक जैकल मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मसला क्या है। बॉय उसे सारी कहानी बताता है टाइगर की, जो भी टाइगर ने उसे कहा होता है। द जैकल फेल्ट सैड, आई विल हेल्प यू, ही सैड एंड वेंट विद द बॉय टू द टाइगर। जैकल को बहुत उदासी हो जाती है और वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो उसके साथ टाइगर के पास जाने लगता है। हाउ डिड यू गेट इन टू द ट्रैप इन द बिगिनिंग, ही आस्क्ड द टाइगर। वो कहता है तुम उस शिकंजे में, उस जाल में शुरू में कैसे फंसे थे। और वो टाइगर फिर जैकल को बताता है, लाइक दिस, रिप्लाइड द टाइगर, बट हाउ, शो मी, सेड द जैकल। जैकल कहता है लेकिन फिर भी मुझे बताओ कि तुम कैसे फंसे थे। द टाइगर वॉक्ड बैक इन टू द ट्रैप, वो जो टाइगर था वो उस ट्रैप, उस जाल के अंदर दोबारा गया। एंड एट वंस द जैकल शट द डोर, और फौरन से ही जैकल ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। नाउ स्टे देयर, सेड द क्लेवर जैकल, एंड ही एंड द बॉय वेंट अवे। और उसने क्या कहा कि अब तुम यहीं रहो, और वहाँ से चला गया उस लड़के को लेके। सो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि जैकल ने उसकी किस तरह से मदद की
और टाइगर कितना सेल्फिश था कि उसने एक तो उस बॉय ने उसकी मदद की, ऊपर से उसने उसी को खाने की धमकी दी। और शुरू में तीन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन तब भी वो अपनी ऑनेस्टी दिखाते हुए वापस टाइगर के पास जा रहा था। जी तो इसी तरह हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और दूसरों का एहसान मानना चाहिए और किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैकल ने मदद की उस बॉय की क्योंकि वो बहुत उदास हो गया था। इसी तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए लाजमी तौर से। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट एट योर होम वंस अगेन। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द वर्क विच वी विल डू इन योर लिटरेचर कॉपी। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।